हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कहावत आपने आमतौर पर कई बार सुनी होगी, मगर यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। आपकी स्क्रीन पर चार लोग दिखाई दे रहे होंगे। इन चार में से तीन लोग वो हैं जिन्हें किसी के कत्ल के लिए सुपारी दी गई थी, और एक शख्स वो है जिसने सुपारी दी थी इनको किसी की हत्या करने के लिए। मगर इन चारों को ये अंदाज़ा नहीं था कि इनकी आपस की बहस ही इन चारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के मेरठ में पुलिस ने इन चार लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर एक व्यक्ति की हत्या की प्लानिंग का आरोप लगा है। पकड़े गए आरोपियों में बाकी के तीन बदमाशों को सुपारी दी थी, मतलब तीन बदमाश जिनका नाम अंकुश, सागर और नितिन है, इन तीनों को सुपारी दी गई थी और सुपारी देने वाला सेवक राम नाम का ये शख्स था। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े जाने की इनकी जो कहानी है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी सेवक राम, जो कि कलंजरी थाना निवासी है, उसने पूछताछ में ये बताया है कि वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था और उसे ये डर था कि उसका अपना जो दोस्त है प्रशांत, वो उसका सबसे बड़ा कंपटीटर बन जाएगा। बस इसी टेंशन में कि कहीं वो उसको टक्कर न दे चुनाव में, उसने अपने दोस्त की सुपारी दे डाली और उसको रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी उसने अंकुश, सागर और नितिन को। सेवक राम नाम के इस शख्स ने 2,40,000 रुपए में प्रशांत को मारने की सुपारी इन तीनों को दी थी। मगर काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जब सेवक राम का काम पूरा नहीं हुआ तो उस पर सेवक राम को गुस्सा आ गया और उसने इन तीनों बदमाशों से बहस करने लगा और उनसे अपने जो एडवांस पैसे दिए थे वो पैसे उनसे वापस मांग रहा था। अब पैसे तो ये बदमाश उड़ा चुके थे, इनके पास थे नहीं पैसे, तो इन्होंने उससे बहसबाजी उनकी शुरू हो जाती है। वो उनको आए दिन पैसे के लिए बोलता, वो पैसे नहीं देते ना, वो काम पूरा कर रहे थे। इस बीच सेवक राम से नाराज होकर इन तीनों बदमाशों ने, यानी अंकुश, सागर और नितिन ने, जो शख्स था जिसको मारने के लिए पैसे दिए गए थे प्रशांत, उसको जाके सारी की सारी कहानी बता दी। जिसके बाद सुपारी लेने वाले अंकुश ने प्रशांत को जब पूरी कहानी बताई तो उसने कहा कि सेवक राम ने मुझे तुमको मारने के लिए सुपारी दी है, जिस पर अंकुश ने पुलिस को इस बारे में सीधा इत्तला कर दी। अंकुश, प्रशांत ने पुलिस को बताया जाके कि ऐसे एक अंकुश नाम के शख्स ने मुझे बताया है कि सेवक राम ने मुझे मारने के लिए उसको और उसके दो साथियों को सुपारी दी है। पुलिस को जैसे ही खबर पता चली, पुलिस ने फौरन इन तीनों बदमाशों को, सेवक राम को गिरफ्तार कर लिया। अब जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में पहले सेवक राम बात को टालमटोल करता रहा, लेकिन पुलिस के पास सब पूरे पुख्ता सबूत थे और तीनों वो बदमाश थे जिनको पैसे दिए गए थे। जब सेवक राम से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो वो भी टूट गए और उसने अपने सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे प्रधानी का चुनाव लड़ना था और उसे डर था कि जो प्रशांत है वो भी चुनाव लड़ेगा और उसको टक्कर भी देगा और शायद वो उससे कहीं हार ना जाए। बस इसी डर के चलते उसने अपने रास्ते से हटाने के लिए अंकुश, सागर और नितिन को 2,40,000 रुपये में प्रशांत को मारने की सुपारी दी थी। और उसके बाद जब उसका काम पूरा नहीं हुआ तो इन चारों में आपस में बहस होने लगी। सेवक राम पैसे मांग रहा था और ये पैसे देने को तैयार नहीं थे, और इसके बाद जाके अंकुश ने सारी की सारी कहानी प्रशांत को बता दी और प्रशांत ने पुलिस को बता दी और पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके अब इनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मगर जरा सोचिए कि एक इंसान के ऊपर ये कहावत कितनी सही बैठती है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और वाकई तीनों बदमाश, अंकुश और उसका सागर दोस्त और नितिन, ये तीनों बदमाश खुद तो डूबे ही, साथ में सेवक राम को भी ले डूबे और पूरा का पूरा मामला उल्टा पड़ गया। फिलहाल ये चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं और जिन्होंने अपराध किया है, किसी की हत्या की साजिश रचने की जो कोशिश करी थी, उसके खिलाफ अब इनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और उनको सज़ा भी मिलेगी। अब खैर, प्रधानी का चुनाव तो बहुत दूर की बात है, देखते हैं कि ये जेल की सलाखों से बाहर ही कब आ पाते हैं। इस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, स्टोरी के ऊपर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।